MRI आधुनिक चिकित्सा जगत की एक ऐसी तकनीक जो शरीर के बाहर से ही अंदर की स्पष्ट तस्वीरें उतार सके। आम मरीज के लिए MRI वो टेस्ट है जिसमें शोर करती एक बड़ी सी मशीन पर बिना हिले डुले लेटना पड़े। स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग इस टेस्ट के नाम से भी घबराते हैं, लेकिन MRI जांच और डायग्नोसिस का एक बढ़िया आधुनिक साधन है। MRI का पहला अक्षर M, मैग्नेटिक या चुंबकीय, क्योंकि चुंबक ही इस तकनीक का आधार है। MRI के लिए मरीज के शरीर पर एक विशेष कॉइल फिक्स की जाती है। कॉइल का आकार इस पर निर्भर है कि किस हिस्से की जांच होनी है। अब मरीज को मशीन के बोर में मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच लिटाया जाता है। समझते हैं कि तकनीक काम कैसे करती है। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर करोड़ों एटम्स का बना है। मशीन के चुंबक हमारे शरीर के हाइड्रोजन एटम्स पर काम करते हैं। साधारण स्थिति में इन हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस अलग अलग दिशाओं में स्पिन करते रहते हैं, किसी लट्टू की तरह। लेकिन MRI के चुंबकीय क्षेत्र में आने पर हर हाइड्रोजन एटम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूम जाता है। अब आधे एटम मरीज के सिर की तरफ, आधे पैर की तरफ। ज्यादातर हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, लेकिन कुछ अकेले बच जाते हैं। यही अकेले बचे ऑड एटम्स टेस्ट का आधार है। MRI का दूसरा अक्षर R, रेजोनेंस। मरीज के शरीर पर लगाई गई कॉइल एक विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स RF पल्स छोड़ती है। अकेले बचे हाइड्रोजन एटम इस पल्स की ऊर्जा लेकर घूमते हैं, फिर RF पल्स ऑफ होती है और एटम ऊर्जा छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में आते हैं। यही सिग्नल MRI मशीन ग्रहण करती है और कंप्यूटर में भेजती है। कंप्यूटर इस डेटा को तस्वीरों में बदल देता है, फिर डार्क रूम में ये नेगेटिव्स बन जाते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर समस्या को पहचान सकते हैं। MRI तकनीक से उतारी गई तस्वीरें बहुत स्पष्ट होती हैं। इसकी मदद से ट्यूमर, मस्तिष्क या रीढ़ में इन्फेक्शन, यहाँ तक कि बहते हुए खून की तस्वीरें भी उतारी जा सकती हैं। कुछ विशेष बातें। MRI मशीन बहुत शोर करती है, उससे घबराए नहीं। टेस्ट के समय बिल्कुल स्थिर लेटना जरूरी है, जरा सी हलचल भी तस्वीरों को बिगाड़ सकती है। कुछ मरीजों को टेस्ट के लिए एक विशेष डाई की जरूरत पड़ सकती है। MRI के कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब शरीर पर इसका कोई बुरा असर नहीं। अगर किसी मरीज के हृदय में पेसमेकर लगा हो तो वो MRI नहीं करा सकता। MRI से पहले मरीज को अपने शरीर से धातु की सभी चीजें हटानी पड़ती हैं।